हाँ तो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। होपफुली आप सबका हाल बहुत ही अच्छा है। गाइज, आज की वीडियो में ना मैं आपसे बिल्कुल सीधी एंड पॉइंट टू पॉइंट बात करना चाहूँगा। जो भी पॉइंट बोलूँगा उसे कम्प्लीटली जस्टिफाई करूँगा, क्योंकि आज मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगा कि एक रिव्यूअर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्पोर्टेंस क्या होती है। आज मैं रियलमी 6 के बारे में काफ़ी खुलासे करूंगा, जो कि अभी तक किसी ने आपको नहीं बताया ज़्यादातर लोगों, क्योंकि तारीफ काफ़ी हो रही है। रियलमी इवेंट की मैं बात करता हूँ, दो स्मार्टफोन लॉन्च हुए, रियलमी 6 एंड रियलमी 6 प्रो। 6 प्रो को पहले ही बोल दिया कि ओवर प्राइज्ड लग रहा है। हाँ ठीक है, बट मेरे जैसे कई लोगों को, बहुत सारे लोग थे, उन्हें रियलमी 6 काफ़ी अच्छी वैल्यू फॉर मनी मिली, क्योंकि 13,000 रुपये में आपको पहली बार मीडिया टेक का हीलियो G90T प्रोसेसर, 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले, 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा, 30 वॉट चार्जिंग जैसे फीचर्स आपको पहली बार देखने को मिले थे। एंड नो डाउट ऑन पेपर ये जो स्पेक्स है ना, बहुत कमाल के, इससे अच्छे स्पेक्स आपको मिल नहीं सकते। बट मैं अभी स्टार्ट करता हूँ अपने इंप्रेशन, इसे 2-4 दिन यूज़ करने के बाद एंड आप हैरान होना शुरू हो जाओगे। स्टार्ट करेंगे बिल्ड क्वालिटी से। देखो गाइस, देखने में ये स्मार्टफोन बहुत ही कमाल का है। अगर आप फ्रंट की बात करो, पंच होल डिस्प्ले है, बेजल्स पतले हैं, बैक के जो कलर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। इनकी कैमरा प्लेसमेंट सारे डिवाइसेस की सेम है। अगर आप बात कर लो रियलमी 5 सीरीज़ के कितने फ़ोन आए, रियलमी 6 सीरीज़ के कितने फ़ोन आए, रियलमी एक्स सीरीज़ के कितने फ़ोन आए, सभी के सभी बैक से सिर्फ कलर डिफरेंस है। बट उसके बाद भी ना गाइस, जैसे ही आप रियलमी 6 को हाथ में पकड़ोगे, तो पंजाबी में कहावत है कि देखी जा छेड़ी ना, जैसे ही आपने फ़ोन को हाथ में पकड़ा तो आप देख सकते हो कि इसके ऊपर काफी ज्यादा स्मजिस आ जाते हैं। एंड यहां पर आपको स्क्रैच तो डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये प्लास्टिक का बैक पैनल है। अब आप बोलोगे कि साहिब भाई, क्योंकि प्लास्टिक है ये सब चीजें नॉर्मल है। अगर मैं आपको याद दिलाऊं, रियलमी एक्स और रियलमी 5 प्रो ऐसे स्मार्टफोन थे जो कि प्लास्टिक बैक के साथ आते थे, बट उनकी फील काफी अच्छी थी। ना तो मैं वेट की बात कर रहा हूं, ना ही मैं बात कर रहा हूं इसकी मोटाई की, क्योंकि आप उसके यूज टू हो जाओगे, ज्यादा नहीं है। बट अगर आपको एक रियल लाइफ चीज बताऊं तो वो ये है, क्योंकि इसकी जो डिस्प्ले है काफी टॉल रेशो के साथ आती है, तो आपको वन हैंड यूज के लिए ये काफी ना डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि काफी ये चौड़ा नहीं लंबा स्मार्टफोन है। उसके बाद इसकी दूसरी बहुत ही कमाल की चीज़ है इसका डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज़ की डिस्प्ले है जी। एंड मैं काफ़ी हैरान था कि इस बजट में ये चीज़ ना कैसे आ गई। फिर जब मैंने इसे अनबॉक्स किया तो मेरे को इतना इंप्रेसिव नहीं लगा इसका डिस्प्ले। उसका रीज़न ये है कि नो डाउट 90 हर्ट्ज़ है, ब्राइटनेस काफ़ी अच्छी है, आप सनलाइट में लेकर जाओ आप आराम से देख सकते हो, बट इसके पैनल की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है। नॉर्मली जो IPS डिस्प्लेज होते हैं ना, उनके जो ब्लैक्स है इतने डीप नहीं होते, वो एमोलेड के ही अच्छे होते हैं। बट ऐसे स्मार्टफोन भी हैं जैसे पोको, जिनके ब्लैक्स काफ़ी अच्छे हैं एंड आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है वो काफ़ी कमाल है। जब मैं बात करता हूँ रियलमी 6 की, इसके ब्लैक्स इतने डीप नहीं है, मेरे को लगता है कि यहाँ पर जो पैनल की क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो सकते थे। उसके बाद बात करते हैं परफॉर्मेंस की। मीडिया टेक हीलियो G90T परफॉर्मेंस में कोई भी इशू आना नहीं चाहिए, ना ही आ रहा है। बट अगर आप ये सोच के रियलमी 6 ले रहे हो कि आप पबजी खेलोगे, क्योंकि ये स्मार्टफोन बहुत पावरफुल है, तो आप मैं बोलूंगा रुक जाओ। क्योंकि यार देखो, सिंपल सी बात है कि जो Redmi Note 8 Pro था G90T के साथ, PUBG में बहुत अच्छा परफॉर्म करता था। यहाँ पर जो आपका Realme है, पहले तो उन्होंने RAM में चक्कर डाल दिया कि अगर आपने HD Ultra में खेलना तो आपको 6GB लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों है मेरे को नहीं पता, ऐसा होना नहीं चाहिए, बट आप PUBG को HD High में खेल सकते हो, मेरे को उससे भी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप HDR में रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो हीटिंग को रोकने के लिए, कोई इशू नहीं है, अच्छी बात है। बट यार HD High में भी जो इसका एक्सपीरियंस है ना, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा यार। फ्रेम ना इतना कॉन्स्टेंट नहीं आ रहे थे। इन्हीं का स्मार्टफोन है Realme X2। अभी देखो, अगर आप बोलोगे कि ये वीडियो पेड है, तो दोनों Realme के ही स्मार्टफोन है। PUBG गेमिंग एक्सपीरियंस Realme X2 का अच्छा है, डिस्प्ले Realme X2 की अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी Realme X2 की अच्छी है। एंड जो हमारा अगला पॉइंट है, Realme UI जो आपको देखने को मिलती है Realme 6 में, मैं ये नहीं बोलूंगा कि इसमें बग्स हैं, मेरे को अभी भी इतना अच्छा नहीं लगा, बट मैं फ्यूचर में एक ऐसी वीडियो लेकर आऊंगा जिसमें मैं Realme UI को कंपेयर करूंगा MIUI वगैरह के साथ। तो अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहते हो तो आई बटन में अपना वोट देके मेरे को डेफिनेटली बता देना। गाइज, अब मैं बात करूंगा सबसे मेजर पॉइंट की, जो है इसकी कैमरा क्वालिटी। अगर आप कैमरा के स्पेक्स की बात करो ना, तो यहाँ पर Realme 6 एंड Realme X2 का कैमरा एग्जैक्टली सेम है। 64 मेगापिक्सल का मेन
मेन सेंसर है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है, 2 मेगापिक्सल के डेप्थ और मैक्रो कैमराज है, 16 मेगापिक्सल का ही फ्रंट कैमरा है। एंड यहाँ पर ना मैं सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मैंने सीधा ही बोल दिया कि रियलमी 6 का कैमरा बिल्कुल ही टट्टी है। यहाँ पर आप अपने सामने सैंपल देख लो कि जो रियलमी एक्स 2 का कैमरा है वो रियलमी 6 के कंपेरिजन में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पर मैं लो लाइट की अभी बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर मैं डे लाइट परफॉर्मेंस की भी बात करूँ तो यहाँ पर रियलमी 6 के बहुत ज़्यादा बूस्टेड कलर्स हैं, कॉन्ट्रास्ट भी ठीक नहीं है, एंड ग्रीन तो ये लाता ही नहीं, यहाँ पर कलर बैलेंस बिल्कुल ही ऑफ है। तो यहाँ पर अगर ये सैमसंग का सेंसर भी यूज़ कर रहे हैं, मेरे को नहीं पता ये सॉफ्टवेयर के ऑप्टिमाइजेशन है क्या है, बट रियलमी 6 का रेयर कैमरा बहुत ही रद्दी परफॉर्म कर रहा है। उसके बाद अगर आप मैक्रो के रिजल्ट्स भी देख लो वो भी रियलमी एक्स 2 के ज़्यादा अच्छे हैं। अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूँ गाइस, सेम स्टोरी है, यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम परफॉर्मेंस है, बट फिर भी जो रियलमी एक्स 2 का कैमरा है वो बहुत ही बेहतर परफॉर्म कर रहा है इन कंपेरिजन टू रियलमी 6। ये ना एक क्लासिक एग्जांपल है कि जब आप इतने सारे स्मार्टफोन लॉन्च करते हो तो आप अपने कैमरा को ऑप्टिमाइज नहीं करते, बट यहाँ पर ये जो सेम कैमरा सेटअप है रियलमी के इतने सारे फोन्स में आया है, इसे ऑप्टिमाइज करने की नीड थी, मेरे को नहीं पता इन्होंने क्या किया है। अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो कुछ तो बात है ना, तो हैशटैग यूज़ करो चिंदीगिरी एंड मेरे को कॉमेंट करके बताओ कि रियलमी ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद अगर मैं बैटरी लाइफ की बात करूँ जी, 4300 mAh की बैटरी है, लेट नहीं कर रहा हूं, एक दिन का बैटरी बैकअप आराम से मिल जाएगा। एक दिन से ज्यादा आपको इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि रियलमी UI अभी नहीं है, प्लस ये 90Hz की डिस्प्ले है, वो भी IPS, एक दिन का बैटरी बैकअप आपको दे देगी 6 घंटे के स्क्रीन ऑन टाइम के साथ। बट अच्छी बात यह है कि डब्बे में आपको 30 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है जो कि बहुत ही जल्दी चार्ज कर देता है। एंड अगर मैं इसके साउंड एंड कॉल क्वालिटी की बात करूं तो वो काफी नॉर्मल है। यहां पर गाइज मेरा इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पज ये था ताकि आपके सामने ना सच्चाई रखी जा सके कि अगर आपको ब्रांड कोई भी चीज़ एक पर्टिकुलर बजट में प्रोवाइड कर रहा है तो उसमें उसका प्रॉफिट होता है। आप ये मत समझो कि G90T दे दिया, 90Hz की डिस्प्ले दे दी, या फिर 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दे दिया तो कमाल हो गया, वहाँ पे डेफिनेटली कॉम्प्रोमाइज़ होते हैं। रियलमी 6 में आपको डिस्प्ले क्वालिटी प्लस इसका जो मेन कैमरा है उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ देखने को मिलते हैं। अगर तो गाइस डेफिनेटली मेरे को बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप रियलमी 6 का कंपैरिजन रियलमी एक्स 2 या फिर किसी और स्मार्टफोन के साथ देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके मेरे को बता दो। एंड अगर आपको रियलमी 6 के बारे में कोई भी डाउट है वो भी आप नीचे कमेंट कर दो, मैं आपका जल्दी से जल्दी रिप्लाई कर दूंगा। इस वीडियो में केवल इतना ही था।